सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइज, इंटरेस्टिंग नहीं, थोड़ा सा पेनफुल होने वाला है, क्योंकि हमारा एक दोस्त है पार्थ सिंह, जो कि आज कोटा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के जा रहा है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, और गाइज हम लोग इतना वाहियात जगह पे जहाँ पे ओला भी नहीं आ रहा है, और समय सिर्फ एक घंटा बच रहा है। तो ये देखिए, सामान वगैरह सब कुछ रेडी है, तो उठाते हैं और जल्दी से चलते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सामान रेडी है। ये रहा शिवचंद और वहाँ रहा पार्थ सिंह, और अभी वो ऑटो बुक करने के चक्कर में है, लेकिन वो बुक नहीं हो रहा है। ओला वगैरह कुछ भी यहाँ काम नहीं कर रहा है, इतना वाहियात जगह है। तो अभी हम लोग सामान उठाते हैं और चलते हैं। चलो उठा भाई, दरवाजा खोल। चलो ना, खोल देंगे। तो ये देखिए, उठा लेगा दोनों। अबे तुम लोग करो, उसको खोल लेना। अच्छा चलो ना, इसको नीचे उतारो पहले। किसको? हमको। अरे नहीं यार, इसको उठाओ ना, इसमें खींचे चल पाएगा नहीं, चल जाएगा। वो रोड नहीं है चलने लायक यहाँ। अच्छा, वहाँ पे चलेगा ना। दे। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कैसे करके अपना सामान ले जा रहे हैं तीनों दोस्त। और ये रहा है पार्थ सिंह, दो बैग हाथ में लिए हुए और एक शोल्डर पे, बॉडी बिल्डर। पार्थ सिंह, कैसा लग रहा है कोटा आके? क्या क्यों? सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऐसा जगह। टाइट कर यार, मैं बड़ा हूँ। सही है, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, शरीर में ताकत है ही नहीं तो बड़ा छोटा करेगा ही। देखो मित्रों भाई, देखो उधर पार्थ सिंह भाई, कंबल ही भरा है उसमें, और कुछ है भी नहीं। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऐसा वाहियात जगह पे रहते हैं, जहाँ पे ओला भी नहीं मिलता है, जिसके कारण पैदल ही चलना पड़ रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे ऑटो मिलता है। इसी के साथ पार्थ सिंह का बैटरी लो होते हुए। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो हम लोग रोड पे आ चुके हैं, और इधर कोई भी ऑटो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम यहाँ पे वेट करें। चलो भाई, उठाओ इसको। कहाँ चलें? चलो पैदल वहाँ सुपर तक, एलेन के पास छूट जाएगा नहीं तो ट्रेन। एक ले लो वो, हम ये ले लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अभी हमें रास्ता पे ऐसे करके बैग ले जाना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि ओला वगैरह कुछ भी यहाँ मिल नहीं रहा है। देख सकते हैं ऐसा जंगल झाड़ है, और समय हमारे पास बस एक घंटा बचा हुआ है। अरे हाथ में लो ना यार, उसको उस पर डाल दे। पार्थ सिंह को तो हाथ में नहीं आएगा, उस पर डालना। नहीं, इस पे नहीं होगा। ठीक है, लो तुम, पार्थ सिंह हमको दो। चलो ऐसे चलो यार, जल्दी छूट जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा मेरा ट्रॉली बैग, और वो पीछे पार्थ सिंह, और ये रहा सिस्टर। तो गाइस, अभी का करेंट सिचुएशन देख सकते हैं, ये रहा मेरे हाथ में ट्रॉली बैग, इन दोनों के भी हाथ में सामान है। तो गाइस, यहाँ पे हमें ऑटो नहीं मिला, ना ही कोई कैब बुक हुआ, ओला रैपिडो कुछ भी नहीं। तो अभी पैदल जा रहे हैं सुपत बिल्डिंग के पास, और वहाँ तो ऑटो लगा रहता है, तो वहाँ से मिल जाएगा। और गाइस, समय भी बहुत कम है, सिर्फ एक घंटा बचा हुआ है 6 बजने में, और 6:10 से ट्रेन है। पार्थ सिंह, कोटा के कैसा लग रहा है भाई तुम लोग को? बहुत बेकार। भैया भैया भैया, रुकिए रुकिए रुकिए, पार्थ सिंह बात करते हैं। भैया, वो कोटा जंक्शन चलिएगा, कितना लीजिएगा? 200। पार्थ, बैठो बैठो जल्दी बैठो। अभिनव को बोलो जल्दी सुपर थाने के लिए। अबे बाहर निकलो सुपर तक, बैठो बैठो। सो गाइस, अभी ऑटो मिल चुका है। किसको? बस बस बस, हो गया, रहने दो, हो गया हो गया। चलो चलो बैठो बैठो सब, जल्दी जल्दी। सिर्फ आगे बैठेगा, पीछे घुस घुस हम भी बैठेंगे। बैग पकड़ो ये, चलिए भैया जल्दी से, 6 बजे ट्रेन है। सो गाइस, फाइनली ऑटो मिल चुका है। तो ये रहा शिवचंद और पार्थ सिंह। तो शिव भाई बताओ कैसा लग रहा है यार? भाई बहुत ही गड़बड़ लग रहा है भाई, कुछ सही नहीं हो रहा है भाई। आखिर में तो भाई ऑटो मिल गया, अभी नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता था हम लोग को, है ना भाई? ऑटो मिल गया है। पार्थ सिंह, 8 मीटर दूर आने के बाद ऑटो मिल गया। आपका तो ट्रेन छूट जाता अगर अभी ऑटो नहीं मिलता तो। अब मिल गया, अब अच्छा लग रहा है ना भाई? अब तो पहुंच ही गया। नहीं अच्छा नहीं, बहुत गर्मी लग रही है। अब गर्मी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलते हैं, और अभी एक दो दोस्त लोग और इसको ड्रॉप करने के लिए आएगा, कि तो उसे भी ले लेंगे, और उसके बाद चलेंगे कोटा जंक्शन। तो आप ब्लॉग पे बने रहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम सुपत एलन पहुँचने वाले हैं। ये रहा अपना एलन, तुरंत प्रभाव के साथ गाड़ी 60 किलोमीटर चलती हुई।
ये भी बात है। मैं ऑटो से आधा घंटा। अरे उसको फोन लगाओ, बुलाओ यहाँ आए। हाँ रुकने के लिए कहाँ रुकवाना है बताओ। मैक्सिमम आधा घंटा पहुँच जाएगा हल्का। अरे आधा घंटा नहीं भाई, वो कहाँ। फोन करो, फोन करो उसको, फोन करो। वो तो कहाँ रुकना है ये भी तो बताओ। हम बता देंगे, तुम फोन करो ना बस उसको। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा अपना एलेन इंस्टीट्यूट। सुमित को फोन लगा, सुमित को जल्दी। भैया यहाँ पे साइड करके रोक दीजिए 2 मिनट। और ये रहा अपना एलेन का मेन गेट। गलत जगह रुकवाया। बस बस भैया यहीं पे रोक दीजिए। गलत जगह रुकवाया भाई। कहाँ हो यार? कितना देर, कितना टाइम पूछो। टाइम कितना लगेगा? 10-15 सेकंड निकलो। एकदम 5 सेकंड में बोलो 10 मिनट में आ रहे हैं। ठीक आओ, मिल जाना चाहिए। नहीं छोड़ो। गाइस जो भी लोग एलएन में पढ़ते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये है एटीएम वाला बस। तो यहाँ पे आप अपना आके कैश विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही एटीएम है कोडल पार्क में। तो जो भी एलएन के बच्चे हैं यहाँ गाड़ी लगता है, देखिए यहाँ से आके आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस शिवचंद बाहर निकलते हुए और पार्थ सिंह अंदर में। और गाइस पार्थ सिंह भारी टेंशन में क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है और अभी एक फ्रेंड आने वाला है इससे मिलने जो कि अभी तक नहीं आया है। पार्थ सिंह भारी टेंशन के साथ बहुत ज्यादा पसीना फेंक रहे हैं। और गाइस यहाँ पे हम लोग तीनों दोस्त रुकते हुए अभी तक नहीं आया है और बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन बिना मिले जा भी नहीं सकते हैं। बाय बाय। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take. चल 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 भाई, जल्दी 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 जल्दी। आगे बैठेगा भाई, तुम बैठो ना आगे। ब्लॉगिंग करना है तो आज। चलिए जल्दी से जल्दी से आगे बैठो। आगे आगे आगे, उधर उधर उधर। पीछे बैठो, आगे दोनों साइड पे। नहीं इधर आ, इधर आ भाई। इसको गोदी में बैठा लो भाई, इसको गोदी में बैठा। इस पे बैठ जा, इस पे आगे आगे। चलिए भैया बढ़ाइए। पार्थ सिंह अपना साइकिल नहीं दिखा रहे हैं गाइस, साइकिल नहीं दिखाना चाहते हैं गाइस। पार्थ सिंह साइकिल नहीं करना उनको अभी अपना। अरे दिख थोड़ा सा साइड। ओह माय गॉड पार्थ सिंह, पार्थ सिंह, पार्थ सिंह का चेहरा पे लाल लाल भारी चीज है। और चश्मा के साथ पार्थ सिंह और साथ में शिवचंद। दुनिया को नहीं, दुनिया को नहीं। आप पार्थ सिंह स्मार्ट। पार्थ संगति गलत पैदा हुए थे। अब तो पैदा बहुत घोड़े हुए थे, बाद में काला हो गए। बहुत घोड़ा पैदा हुए थे। क्या शिवचंद कुछ पूछ रहा था? मैंक तो भाई ये बोले जल्दी से बिजली बिल जमा कीजिए नहीं तो शिवचंद को घर से निकाल देंगे। बिरयानी कितना? 400 ग्राम में दो पीस देगा। चुमित नहीं, अभी थोड़ा और चुविंगम खा, 2 महीना तब जाके मेंटेन होगा। नहीं 2 महीना और चुविंगम। देखो शिव का जॉलाइन, देखो शिव जॉलाइन अपना दिखा दो। जॉलाइन जॉलाइन जबड़ा है ही नहीं बेचारा के पास। वंस मोर शिव अपना जॉलाइन दिखा दो अभिनव को। अरे कहे जॉलाइन, दांत की बेचारे के पास जॉलाइन है ही नहीं, क्या दिखाएगा।
मुस्कुराते हुए धीरे धीरे। सो गाइस कोटा स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अभी आधा घंटा समय बचा हुआ है, सही सलामत पहुंच गए और टाइम से पहुंच गए। भाई इसको भी कर दीजिए। सो गाइस ये रहे हम लोग पांचों दोस्त, एक ये रहा शिवचंद हम कैमरा के पीछे। नाइट उठेगा आई सो वहाँ बोतल स्टोर जाएगा। सुमित अपना बैग उठाओ जल्दी से। सो गाइस यहाँ पे कोटा पटना लगा हुआ है, पांचों दोस्त पांचों हाय कर पार्थिक एक बार हाय कर दो भाई जाते जाते लास्ट टाइम पार्क से जा रहे हैं। सो गाइस ये रहा B4 और ये दोनों आ गया और अभी दो बंदा पीछे ही है वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। जल्दी से आओ, वो दोनों वहीं पे रह गया भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। पार सिंह जा रहा भाई, नहीं भाई नहीं जाने यार, रुक जाओ ना भाई दो दिन, रुक दो दिन रुक जाओ ना भाई। सुमित बोलो ना यार दो दिन रुकने के लिए, अब रुक जाओ ना भाई दो दिन यार, अरे रुक जाओ ना यार, क्यों ऐसे कर रहा है। सो गाइज आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइज ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज क्या हुआ था कि स्टेशन पे जब हम लोग गए थे तो मेरा फोन का बैटरी जो है वो पूरा खत्म हो गया था, तो फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया था, तो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट फिर वो ट्रेन में बैठ गया पार्थ सिंह, उसके बाद घर चला गया और आगे का वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो आज नेक्स्ट डे ये शूट कर रहे हैं और आते आते बहुत रात भी हो गया था, तो उस दिन ब्लॉग का एंड नहीं कर पाए थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोटा से रिलेटेड ऐसे ही ब्लॉग्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। बाय।